विरारच्या जुना विवाह कॉलेज परिसरात 25 जानेवारी रोजी एका महिलेच्या गळ्यातील सोन्याचे मंगळसूत्र घेऊन सोनसाखळी चोर पसार झाला होता। या प्रकरणी विरार पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला। याचा तपास गुन्हे शाखा 3 चे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रमोद बडाक आणि त्यांची टीम करत होती। आरोपी अमित शनवार याला डहाणू तालुक्यातून अटक करण्यात आली। त्याच्याकडून चोरीला गेलेला मुद्देमाल हस्तगत करण्यात पोलिसांना यश मिळालं। या आरोपीने अशाच प्रकारचे अधिक 4 गुन्हे वसई विरार क्षेत्रात केल्याचं उघड झालं आहे। गुन्हे शाखा याचा अधिक तपास करत आहे। दिनांक 25/1/2024 को इस गुन्हे की फिरियादी जो है महिला, वो अपनी एक्टिवा बाइक पे जा रही थी। ये आरोपी जो है नथु शनवार, ये पीछे से आया और उसने स्पोर्ट्स बाइक से उनकी मंगलसूत्र खींच लिया और भाग गया था। ये सीरियसनेस देख के 3-4 गुन्हे सलग हुए थे, इसलिए इसका सीरियसनेस देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने सदर का केस वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बड़ा नालासोपारा डिवीजन के इनके पास दिया था, क्राइम ब्रांच के, और उन्होंने तपास करते समय इसमें से ये आरोपी को अटक किया। उसके पास से उसका जो स्पोर्ट्स बाइक था वो भी अटक किया है, ताजाबे में लिया है। और इसके अलावा उन्होंने और 3 केसेस डिटेक्ट किए हैं, उसमें 4,32,000 का सोने की चेन और मंगलसूत्र जब्त की है। और ये जो आरोपी है, ये आरोपी जो टारगेट करता था सिर्फ महिलाओं को और जो बाइक चलाने वाली महिलाओं को टारगेट करता था, इसलिए वो थोड़ा सा केस का सीरियसनेस जानते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने ये तपास क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के पास दिया था। और क्राइम ब्रांच के यूनिट 3 की टीम ने मेहनत करके इस आरोपी को तांत्रिक विश्लेषण और दूसरा ये जो गुप्त बातमीदार रहते हैं उनके तरफ से बातमी निकाल के इसको अटक किया है और फिरियादियों को न्याय देने का कोशिश किया है। ये आरोपी काम धंधा कुछ करता नहीं है, इसने खुद की शादी तय की थी किसी के साथ, वो शादी करने के लिए वो सोना जमा कर रहा था, ऐसा तपास में निष्पन्न हुआ है। ये आरोपी का अभी 5 तारीख तक पुलिस कस्टडी रिमांड है और कुछ केसेस ओपन हो सकते हैं, उसके बारे में तपास कर रहे हैं।